शरणमयि वयस्नास्कन्धवेण्यस्तहस्तो निजबन्धसुकुञ्जं जातिराधारिणीम्। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसुदासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमामृत। जय श्रीरूपसनातन भट्टरघुनाथ श्रीयोगपालभट्टदासरघुनाथ। हे छय गुसाई करिचरण वंदन जहाँ विघ्ननाशविष्ठ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की श्री श्री ब्रजरानी राधा रानी की श्री लाडली लाल की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री गिरिंद बिहारी बिहारवी सरकार की श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय गौर हरि। परम मंगलमय कारण करुणा करुणा है श्री गुरुदान महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को विलाप पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। विलाप पुष्पांजलि श्लोक संख्या 82 कमलवदने हंत लीला विलासात् गत्याटोपै श्रमविलुलितं देवी पादाब्जयुग्मं। स्नेहासंवाहितुमपि हृत्पुञ्जमूर्ते प्रलज्जं नामग्राहं जजनमिमं हा कदा नोत्स्यसि त्वम्। आचार्य चरण इस श्लोक में प्रिया जी की अभिसार का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हे देवी उद्यत कमल वदने प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए प्रिया जी बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। उद्यत कमल वदने श्वेत जलम जत्र एवं भूतम वदनम जस्या हे तथा विधि। अभिसार करते समय प्रिया जी के श्री अंग पर श्वेत बिंदु प्रकट हो गया। जस्या हे तथा विधो गत्या टोपे प्यारे श्याम सुंदर के मिलने के लिए इतना तीव्र गति से
चल रही है कि पैर कहाँ पड़ रहा है कुछ पता नहीं। सम विलोलित पदार्थ जुगम चलने के कारण चरण कमल बिल्कुल व्यथित हो गया। हरी पुंज भूते अति अलज्जम श्रम के कारण लज्जा छोड़ करके प्रिया जी अपनी किंकरियों का नाम लेकर नामक ग्राह नाम गृहित इयम जनन स्नेहत हा हंत कदा त्वं संभाहिष्यामि नोत्स्यसि प्रेरित करोगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रिया जी, जब प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए आप अभिसार करेंगी चलेंगी, उस समय आपका चरण कमल व्यथित हो जाएंगे, थक जाएंगे, कष्ट हो जाएंगे। तो हे मूर्तिमति लज्जा स्वरूप, आप लज्जा को छोड़ करके अपनी किंकरियों का नाम लेकर पुकारेंगे नीच जन को। हाय, वह समय कब आएगा कि मेरा नाम लेकर के आप पुकारेंगे कि मेरा पाद संवाहन करें। ये प्रिया जी अपने निज जनों को ये शुभ अवसर देती है सेवा करने। कभी कभी निकुंज में प्रिया जी नाम ले लेकर के पुकारती है, हे तुलसी, हे रूप, हे लवण मंजरी। इस शब्द को सुनने के लिए मंजरियां हमेशा ललायत रहती हैं कि प्रिया जी हमारा नाम लेकर के कब बुलाएंगे, कब आदेश देंगे। पिछले श्लोक में प्रिया जी रह गोष्ठी एकांत में प्यारे श्याम सुंदर से मिल करके जो चर्चा की थी वह सुनी। आज स्वामिनी अभिसार के लिए तैयार होंगे चलना, और इतना कोमल है प्रिया जी, कमल के फूल से भी अधिक कोमल है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि प्रिया जी का एक चरण कितना कोमल। जब सुखदेव जी भगवान राम का वर्णन कर रहे हैं, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुगनम पद्म पदभ्याम क्रियाया पाड़िस परसत क्षमाभ्याम विजित पत्थर जो हरिंद्रा जाते। जब किशोरी जी जन्म लेकर के पैर रखी पृथ्वी पर तो असह्य कष्ट हुआ, तो प्रिया जी के लिए कमल की पंखुड़ियां बिछा, कोमल कोमल कमल के पंखुड़ी बिछा दिया जाता था कि कमल के पुष्प पर जब पैर रखती थी तो ये कमल का पुष्प लगता था कांटा जैसा। कितना कोमल प्रिया जी का सिंह पद्म पदभ्याम किया है, कमल के फूल में भी अक्षम की सहन नहीं कर पाती थी। और वही प्रिया जी आज प्यारे श्याम सुंदर के लिए चल रही गत्या टोप रही, प्रेम में विवश होकर के उनका पैर चल रहा है। उस समय की वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्रिया जी चल रही हैं अति अनुराग से। नव अनुरागिन राधा कछुना ही माने बात, भयंकर रात्रि है, वर्षा का समय है, लेकिन आज वो मान रही है आप जाएंगे। चारों तरफ देखती हैं सखी मंजरियां कोई साथ देगी, कोई साथ नहीं। श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर के एकली कयली पया अकेले चलते प्यारे श्याम सुंदर। इस प्रेम मार्ग में कोई साथी नहीं होता, ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा कोई मित्र होगा जो साथ देगा, तब उस मार्ग में आ नहीं सकता। प्रिया जी किसी की अपेक्षा नहीं की और चलते समय रास्ता भी नहीं मिल रहा था, पंथ विपथ नहीं मान, कांट को कंकड़ को अंकुश इत्यादि रास्ता में लगा हुआ है, देख नहीं रहे।
श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी उन्मत्त हो गई हैं कि अपमार्ग बिना मार्ग के चल रही, तेजल मणिमय हार, अपने गले का जो हार है उसको भी निकाल दी, उसको भी हार को भी भार समझ रही हैं प्यारे श्याम सुंदर के लिए, मणिमय मंजरियों का भी त्याग कर दी। जामिनी घन अंधियार, भयंकर रात्रि है। देखिए कृष्ण प्रेम में उन्मत्त ब्रजराज राधा रानी की कैसी स्थिति हो, इतनी इच्छा है, उत्कट अभिलाषा है प्यारे श्याम सुंदर से मिलने की, कि अंधेरी रात में बिना किसी साथ के निकल जाए। रास्ता में बहुत विघ्न पड़ा, बहुत रास्ता में, लेकिन विघ्न विधारण पर विघ्न की विघ्न की तरफ कहीं देखी नहीं, क्योंकि उनके हृदय में उत्कट अभिलाषा था मिलने की, प्रेम की उत्कट अभिलाषा से सब विघ्न को काट, ऐसा प्रिया जी का अनुराग था। उसी समय थक गई है तो सेवा के लिए आदेश देती है। देखिए सेवा सबको नहीं कहा जाता है करने के लिए, देख लेते हैं कि असल बात है, इस मार्ग में प्रेम मार्ग में किसी को कहा नहीं जाता है सेवा करने के, तू सेवा कर, किसको सेवा के लिए कहा जाता है तो श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, जिस पर पूरा विश्वास, बिना विश्वास का सेवा नहीं। इसलिए भक्ति करने के पूर्व श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत में सिंधु में लिखते हैं, पहला योग्यता है श्रद्धा, श्रद्धा का ही अर्थ विश्वास होता है, विश्वास नहीं रहेगा तो सेवा कोई नहीं कर। पहले अपने सेव्य को भी सेवक पर विश्वास होना चाहिए और सेवक को भी सेव्य पर विश्वास, दोनों को विश्वास होना चाहिए। विश्रम भरेण, बिना विश्रम के बिना विश्वास के सेवा नहीं है। तो सेवा कौन करता है तो कहते हैं कि सेवा करने के लिए अपना भी पवित्र होना चाहिए। किशोर जी की सेवा में सभी लोग नहीं आ सकते, आत्म शौच से अपने बाहर और भीतर की पवित्रता होनी चाहिए, सेवा वही कर सकते, मंजरियों का स्वरूप है। आत्म शौचे, बाहर की तो हम लोग शुद्धि कर लेते हैं लेकिन अंदर की शुद्धि नहीं, अंदर की शुद्धि होती है निष्कामता से। यदि हमारे मन में किसी प्रकार की कामना है तो वो व्यक्ति सेवा का योग्य नहीं, सेवा नहीं करता। यदि किसी प्रकार की इच्छा है, हम सेवा करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये सेवा करेंगे तो हमको कुछ प्राप्त होगा, तो वो अपवित्र व्यक्ति हो जाते हैं। तो अपवित्र व्यक्ति सेवा का अधिकारी नहीं। ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते समय यदि अभिलाष हो जाए कि हमको कुछ मिलेगा या हमको अच्छा होगा, अपना सुख दुख का विचार है तो उसका मन अपवित्र है, वो सेवा का अधिकारी नहीं। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसमें गौरव बुद्धि होना चाहिए, गौरव बुद्धि यदि नहीं रहेगा तब भी वो सेवा नहीं कर सकते। यदि आपसे मिल रहा है आलिंगन कर रहा है फिर भी आपको लगना चाहिए कि गौरव बुद्धि है, उनसे थोड़ा डरना चाहिए, आदर बुद्धि रहना चाहिए। मूर्ति की सेवा कर रहे हैं और सेवा मूर्ति में आदर बुद्धि यदि नहीं है, उसमें पत्थर बुद्धि है, अरे विग्रह है, फोटो है, तब आपका सेवा किसी काम का नहीं है। उसमें गौरव यदि नहीं रहेगा तो सेवा नहीं। ये मंजरियों का स्वरूप है, मंजरियां प्रिया जी में गौरव बुद्धि है, ताकि मंजरियां प्रिया जी को भी रास्ता दिखाती है, कभी डांट भी देती हैं, प्रिया जी आपको ऐसा नहीं करना, फिर भी इतना करने के बाद भी उनमें गौरव बुद्धि है, आदर बुद्धि है। आदर का अर्थ होता है थोड़ा डरती है, आदर थोड़ा थोड़ा डर करके अपने सेव्य की सेवा करना चाहिए, कोई हमसे गलती ना हो, ये मंजरी भाव। इसके बाद दमेन, दम कहते हैं अपने इंद्रियों पर, यदि जिसको बस में नहीं हो सेवा नहीं कर सकते।
सेवा कर रहे हैं यहाँ और नेत्र से किसी और को देख रहे हैं तो सेवा नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं और भूख लगी है तो सेवा नहीं कर सकते। अपनी इच्छा का जब तक मारेंगे नहीं तब तक आप सेवा के योग्य नहीं। ये दम है, दम कर रहे, सेवा कर रहे हैं अपने सेव्य का मन से किसी और का चिंतन कर रहे हैं, ये मंजरी है, यही मंजरिया सब कुछ। प्रिया जी में गौरव बुद्धि है, अपने में आत्म शौच है, विश्रम्भ है, ये सब सेवा का अधिकार है। जिसकी सेवा कर रहे हैं यदि वो खा नहीं रहा है, हम भोजन लेकर नहीं खा रहा है तो ये नहीं कि नहीं खा रहे हैं, मत खाओ हम तो खा लेंगे, तो सेवा नहीं। सेवा में भगवत बुद्धि हो, ये है सेवा करना की मंजरी भाव को प्राप्त करना है तो ये सब। यदि सेवक सेव्य रूठ गया तो उसको सुसुर सया उसको मनाना पड़ता है, रूठ गया रूठो तुमको रूठना है रूठो हम तो खाएंगे, गुरु जी रूठ गए चलो हम अपना मुस्कुरा। तो ये सेवा नहीं, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं यदि वो रूठ जाए या नाराज हो जाए अटकार दे तो अपने भी दुखी होना चाहिए। सुश्रूषया सुश्रूषा तभी होगा जब सौहार्द हो। देखिए मंजरियों को राधा रानी के प्रति कितना बड़ा सौहार्द है, केवल हाथ पैर से ही और वस्तु सेवा नहीं करना चाहिए, वाचा मधुरया वाणी भी मीठा बोलना चाहिए सेवा करना। हे प्रिया जी हे किशोरी जी हे लाडली जी प्यारे श्याम सुंदर, प्रिया जी का कितना सुंदर सुंदर संबोधन करते हैं। यदि हम अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पत्नी यदि पति की सेवा कर रही है तो ये भाव लगाना है, शरीर को शुद्ध रखना, मन को शुद्ध रखना, गौरव बुद्धि रखना, शुश्रूषा करना, सौहार्द रखना और अंत में वाचा मधुर याद वाणी झुंझला कर नहीं बोला खाओ चाहे खाओ नहीं खाओ, ऐसा झुंझला कर सेवा गए सेवा जिसकी कर रहे हैं। ये मत समझिए कि भगवान मिलेंगे तभी, अभी जहाँ वर्तमान में जो आपको सेवा मिला है उसमें भगवत भाव करना पड़ेगा। यदि पुजारी हो तो मूर्ति में भगवत भाव करना, पद पुराण में लिखा गया है जो मूर्ति में पत्थर बुद्धि करता है शालिग्राम है ये बोलने वाला नहीं है, अब जैसे मन करे वैसे भोग लगा दो तो उसको कल्पो कल्प वर्ष तक नरक में जाना पड़ता है। सेवा जिसकी पिता की सेवा कर रहा है और पिता में मानव बुद्धि, माँ की सेवा कर रहा है और मानव माँ में भगवत बुद्धि नहीं, इसीलिए हिंदू साहित्य संस्कृति में लिखा गया मातृदेवो भव पितृदेवो गुरुदेवो। अरे महाराज अचानक यदि आपके घर में कोई अतिथि आ गया उसमें भी भगवत भाव करना, अतिथि देवो भगवान समझ करके उनमें सेवा करना, सौहार्द भाव से रखना। स्वामी शिवानंद अपने शिष्य सत्यानंद सरस्वती को भेजे सेवा करने के, तो वो पूछे कि किसकी सेवा करें, तो कहो कि जिसको मन करे किसी को रोगी दुखी की सेवा करें। तो सेवा करने के अपने आश्रम से निकले, गंगा जी के तट पर एक कोढ़ी मिला, कोढ़ी को लेकर गया, चलो हम कोढ़ी की सेवा करें, कोढ़ी की सेवा करके भगवान को प्राप्त हुआ। भक्तमाल में कहता है गदहा की सेवा करके भगवान मिल गए, कुत्ता की सेवा करके ठाकुर जी मिल गए, और हम लोग मनुष्य में द्वेष बुद्धि करते तो भगवान कहाँ मिले, भगवान मिले। और भी मधुर रस की चर्चा करते हैं, हम मंजरी हैं तो सारा जगत मंजरी भाव देता है, हम किशोरी जी की दासी हैं सारे जगत किशोरी जी की दासी, इस भाव में तो बनाए लाए और स्वामी सत्यानंद सरस्वती लाए अपने आश्रम में रखे, कोढ़ी का दाढ़ी बढ़ गया था तो ब्लेड लाए, दाढ़ी अपने हाथ से बनाए,
गाड़ी बनाए, कहीं कट गया, खून बहने लगा, तो कोढ़ी ने स्वामी सत्यानंद सरस्वती के मुंह पर थूक दी साले, तो उसको बनाने नहीं आया तो हाथ क्यों लगाया? किसको? स्वामी सत्यानंद सरस्वती जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर मुंगेर क्रिया योग के माही, वर्तमान युग में उस समय क्रिया योग के सबसे बड़े माही, और उनको थूक दिया वो, और हाथ जोड़ कर कहे प्रभु क्या मैं देखू आज कोड़ी में भगवत भाव। ये भगवत भाव करके उसमें अंत में वो कोड़ी जाने लगा तो का साले इस आश्रम में सब व्यभिचारी, थोड़ा थोड़ा सत्यानंद थोड़ा थोड़ा रास्ता पर चल रहा है, गलित के तो देखो कोड़ी गलित उसमें भगवत दीक्ष, जिसकी भी सेवा मिली है उस सेवा में भगवत था, यदि नहीं होगा तो ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? सुशूर सया सौहृदय सौहार्द से सेवा करते से करते थक गए, अब शरीर काम नहीं कर रहा है और सेवक सेव्य बार बार बुला रहे, भगवान श्री कृष्ण सेवा किए हैं दुर्वासा जी, ये है दुर्वासा जी की सेवा, रथ पर चला रहे, कहने तुम्हारे घोड़ा से हटाओ, तुम रुक्मिणी को और कृष्ण को कहें तो तुम दोनों घोड़ा बनो, और चाबुक से मारते थे श्री कृष्ण को, चल कृष्ण चल। सेवा धर्म कितना कठिन है, और मंजरी भाव क्या है, जब ये अभी सेवा धर्म ही नहीं मंजरी भाव क्या है, डंडा तो मारो खिलाने के लिए मान, अंत में खीर कहे कि खीर बना भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी खीर बनाए, खीर बना करके दी दुर्वासा जी, खीर खाए थोड़ा सा बच गया, कहे कि इसको पूरे देह में तुम लगाओ, पूरे देह में से कृष्ण और रुक्मिणी सब देह में जूठन लगाए, एड़ी में नहीं लगाए, दुर्वासा ने श्राप दिया तुम इसी से मरोगे, एड़ी से ही मरे, इन्हें बांध दे तुम्हारा सब शरीर बज रहो, मरेगा तुम, ये देखिए सेव। श्री कृष्ण ही जगत में आकर के सेवा सिखलाते हैं, सेवा क्या होता है, सेवा सबसे कठिन चीज है, यही सेवा प्राप्त करना है, सबसे बड़ा सुख यदि कहीं है तो सेवा में, ब्रह्मानंद से भी करोड़, विषयानंद से करोड़ गुना सुख है ब्रह्मानंद, जो विषय में आनंद आता है देवता स्वर्ग के देवता इत्यादि को, उसे करोड़ गुना सुख है ब्रह्मानंद में, अहम ब्रह्मास्मि सोहम प्रज्ञानं ब्रह्म तत्त्वमसि, ये जो वेद का मंत्र है वो विषयानंद से करोड़ गुना सुख है ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद से भी करोड़ गुना सुख है प्रेमानंद, जार आगे त्रिण तुल चारि पुरुषा, ब्रह्मानंद भी मुक्ति भी त्रिण के समान हो जाती है जब भक्त के हृदय में प्रेम प्रकट होता है, और उस प्रेम से भी करोड़ गुना सुख है सेवा में, सेवा में आना, जिस आनंद को राधा रानी लेती है प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करके, ठाकुर जी आनंद लेते हैं, मंजरियां आनंद लेती हैं, और उन लोगों को सेवा में थोड़ा सा भी यदि आनंद मिल गया तो कहाँ तक कहे दी मानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना, कपिल भगवान कहते हैं हे माँ हे देव देवती जी से कहते हैं हमारे भक्तों को सेवा में इतना आनंद मिलता है कि उस सेवा के आगे साष्टी सामीप्य सारूप्य सायुज्य ये चारों मुक्तियाँ हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है कि मुझे ले लो ले लो, लेकिन दीय मानव न ग्रहणंती बिना मत सेवन, उसको सेवा में इतना सुख मिलता है इतना आनंद मिलता है कि सेवा छोड़कर कुछ प्राप्त नहीं करते, तो ये मंजरी भाव की साधना है यही सेवा, वाचा मधुर याचक जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, और सेवा कैसे देखिए कुंती महारानी सेवा की, किसकी की थी? दुर्गा जी की थी ना कुंती जी, देखिए पृथा वसुदेव जी की बहन
बिना खाए पिए 4 महीना कभी भी दुर्वासा जी बुलावे थे, ये ना 4 महीना बिना खाए पिए दुर्वासा जैसे कुंभार साधु की सेवा की। थोड़ा सा गड़बड़ी हो तो श्राप दे, और सेवा के द्वारा बस में ये सेवा कितनी बड़ी हो सकती। सेवा यदि किसी को करने आ जाए तो उसके पास क्या नहीं आ सकता है। नेता लोग कितने हैं केवल झूठ मूठ कहते हैं मैं सेवा करूंगा सेवा करूंगा, झूठ सेवा का बाधा डाल के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं झूठा। और असली यदि कोई सेवा करे तो गोलोक पति श्री कृष्ण का सहित मुक्ति प्राप्त करे, ठाकुर जी का सेवा प्राप्त कर, झूठ मूठ हम सेवा करूंगा सेवा करूंगा झूठ मूठ नाटक करके सबसे बड़ा कर। यदि रियली कोई सेवा कर भगवत भाव से सेवा कर, सेवा का पहला लक्षण है विसृज्य काम। किसी प्रकार का मन में कामना आ गया तो सेवा नहीं कर सकते। हम अपने सेव्य की सेवा कर रहे हैं और हमारा कामना कुछ और, हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करते समय चाह रहे हैं कि हमको इस परिक्रमा से कुछ मिल जाए तो सेवा नहीं। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वही चाहिए बस। आप किस लिए सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए सेवा कर रहे हैं, सेवा के बदले में यदि कुछ चाहे तो सेवा ना है। हम भजन माला जप कर रहे हैं, किस लिए माला जप कर रहे हैं, हम भगवान का दर्शन करने के लिए, तो माला जप हुआ नहीं। अरे हम माला जप कर रहे हैं किस लिए जप रहे हैं, हमको नाम अच्छा लगता है, नाम के बिना रहा नहीं जाए, हम इसीलिए नाम रटते हैं कि नाम के बिना मुझे अच्छा न लगे, हमको नाम में रुचि है। हम परिक्रमा कर रहे हैं किस लिए, हमको परिक्रमा के बिना नहीं रह जाए, हमको सेवा के बिना न रह जाए, यही सेवा यही जिस जो वस्तु, क्योंकि प्रत्येक साधन ही साध्य है। भक्ति मार्ग में साधन और साध्य दो वस्तु नहीं है। साधन करके कुछ प्राप्त नहीं करना है, साधन करके उसी वस्तु को प्राप्त करना है। जैसे हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं बस, सेवा का फल है सेवा, चिंतन का फल चिंतन, हम प्रिया जी के लीलाओं का चिंतन करते हैं। तो इसके लिए सेव्य के अतिरिक्त तो कुछ भी इच्छा न रहे, विसृज्य काम। और फिर दम्भम च, दम्भ को हटाना। दम्भ कहते हैं दिखावा। भगवत गीता में जब पापों का वर्णन कर रहे हैं तो सबसे बड़ा पाप है दम्भ। हृदय में भक्ति नहीं लेकिन लोगों को दिखाना कि मैं बड़ा भारी भक्त, इसको कहते हैं दम। दम दिखावा। इसके बाद हम सेवा कर रहे हैं हमको किसी से द्वेष है तो सेवा नहीं कर सकते। दम और द्वेष इनको छोड़ना है। फिर लोभ, लोभ सेवा के प्रति, सेवा से कोई इतर वस्तु की लोभ। और एक सबसे बड़ा गड़बड़ चीज है जिसको मद कहते हैं। सेवक को मद आ जाता है, मैं प्रिया जी का सेवक हूं, अहंकार आ जाता है, मालिक से अधिक अहंकार नौकर को है। अरे मालिक अहंकार मिनिस्टर कर लो भाई, उससे भी अधिक। तो ये मद सेवा में एक है अप्रमत्तता। सेवा करते समय बिल्कुल सावधान रहे, सेवा सुमिरन सावधान। सेवा में यदि असावधानी होगा तो भयंकर ब्लंडर गलती होगी। थोड़ा सा सेवा में मिस्टेक हुआ ललिता सखी को जवन करना बन मुसलमान बनना पड़ा, थोड़ी सी गड़बड़ी, केवल इतनी ही गड़बड़ी हुई कि प्रिया जी प्रसाद भोजन किए और उसके बाद पान दे दिए बिना पोछा लगाए। रात्रि के समय में प्रिया जी भोजन की और भोजन करने के बाद ललिता सखी पान रख दी वहीं बिना पोछा लगाए और सूची की वही रख दी। अब बस इतने छोटी सी अपराध कारण ललिता जी को सेवा से निष्कासित हो गई और बन गई जवन करने मुसलमान की लड़की बन। ये देखिए थोड़ा सा, इसीलिए सेवा में हमेशा सावधानी रहना चाहिए। सकरा मनिया का तो ज्ञान रहना चाहिए, शुद्धता यदि नहीं रहेगी तो सेवा नहीं। इस तरह सेवा करके मंजरी है, देखिए प्रिया जी को अपने बस में करने
निकुंज में जब सेवा की आवश्यकता होती है तो प्रिया जी बुलाती हैं, आजा तुलसी रूप मंजरियों का नाम ले। वही यहाँ पर रूप तुलसी मंजरी कह रही है, यह प्रिया जी आप अभिसार करते करते जब आपका पैर थक जाएगा तो कब हे तुलसी कहकर पुकारेगी, ऐसा शब्द मैं कब सुनू। भगवत रसिक जी कहते हैं कि कहीं कहीं भगवत दासी, जब निकुंज में किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो प्रिया जी भगवत भगवत पुकारने लगती है, अरे भगवत रसिक कहाँ गया कहाँ गया। ये सेवा की उच्चतम स्थिति है। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए अति अनुराग अति वेगमय अदम्य शक्तिमय अभिसार कर रही हूँ, कोई भी बाधा इस अभिसार का रोक नहीं सकता है। प्रिया जी का चरण कमल कैसा है तो कमल के फूल से भी अधिक कोमल है, लेकिन इतना भयंकर कृष्ण की तीव्र मिलने के लिए जो जा रही है तो जाते समय उनकी स्थिति क्या हो गई है, सब कुछ छोड़ करके इस सब बंधन को तोड़ करके प्रिया जी जा रहे हैं। अब विद्यापति जी कहते हैं, माधव करिये सुमुखी शर्म धाने, प्रिया जी का विचार, माधव करिये सुमुखी शर्म धाने, तुवय भिसारे कयल जत सुंदरी, कामिनी करू खेया। प्रिया जी की सहचरी श्याम सुंदर से कह रही है, हे माधव, राधा रानी जितना अभिसार में कष्ट उठाती हैं इस जगत में ऐसा कष्ट कोई नायिका उठा नहीं सकती, आपसे मिलने के लिए कितना दुख उठाती है। तू अभिसार कयल जत सुंदरी, आपसे मिलने के लिए जितना कष्ट प्रिया जी उठाती हैं, कामिनी करु के यानी कौन इस जगत में स्त्री ऐसा काम कर सकती है, इतनी साहस कर सकती है, आपसे मिलने के लिए अंधेरी रात में चल दे। कैसी अंधेरी रात, कि घनघोर वर्षा हो रहा है, बरस प्रयोधर धरन बार बार, रास्ता दिख नहीं रहा है, केवल पानी पानी जलमग्न पूरा पृथ्वी हो गया, अरयन महाभय भयानक रात्रि, उसमें केवल आवाज आ रहा है मेढक की, टर टर की आवाज आ रही है, झिंगुर की आवाज आ रही है, भयानक बोली बोल रहे हैं, लेकिन आप